वेलकम टू फसुमा किचन। आज हम लोग रा पनाना की सब्जी बनाएंगे। हिंदी में बोलते हैं केले के सब्जी। ये सब्जी बहुत टेस्टी रहेगा और रोटी के साथ खा सकते हैं, आप भी बनाइए। नमस्ते दोस्तों, हमारे फसुमा किचन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कच्चे केले की बहुत ही बेहतरीन और स्वादिष्ट सब्जी, जो कि बहुत अलग तरीके से हम बनाने वाले हैं, इसे बनाने का तरीका बताने वाले हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए है कच्चे केले 4, 3 बड़े कांदे, 2 टमाटर और कांदे का हमने पेस्ट बनाकर यहाँ पर लिया है, बेसन, काली मिर्च पाउडर, सौंफ, सरसों का पाउडर और काले नमक का हमने पाउडर लिया है यहाँ पर, मेथी दाने और जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, राई, धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला, तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 7-8 हमने लहसुन की कलियाँ ली है छिलकर, हरी मिर्च हमने 6 से 7 ले ली है। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर केले ले लिए हैं, पहले हम इसे इस तरीके से कट कर लेते हैं। इसका हम छिलटा निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने केले का छिलटा निकाल लिया है। सारे केलों को हम इसी तरीके से छील लेते हैं। सभी केलों को हमने छील के ले लिया है। अब हम इसके पीस कर लेते हैं। इस शेप में हम इसके पीस कर लेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं हमें करना है, मीडियम पीस हम रखेंगे इसके। देखिए सारे केलों को हम इसी तरीके से कट कर लेते हैं। सारे केले के हमने पीसेस यहाँ पे बना लिए हैं। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम कांदे को भी कट कर लेंगे। कांदे के हमें इस तरीके से पतले पतले स्लाइस करने हैं। तो देखिए कांदे को हम इस तरीके से काटेंगे। सारे कांदों को हम ऐसे ही कट कर लेते हैं। देखिए कांदे के भी हमारे अच्छे से स्लाइस कट के तैयार है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हमने यहाँ पर टमाटर ले लिए हैं, इसे भी हम कट कर लेंगे। इस तरीके से हम टमाटर को कट कर लेंगे। टमाटर हमारे कट के तैयार है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हमारा कांदा, टमाटर और केले यहाँ पर कट के तैयार है। अब हम केले को मैरिनेट करने के लिए मसाला लगा लेते हैं। यहाँ पर केले को एक कटोरे में धोकर ले लिया है। इसमें हम डालेंगे बेसन 3 चम्मच, कांदे का हमारा पेस्ट जो हमने पीस के लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। हल्दी पाउडर कलर के लिए, काली मिर्च पाउडर,
जीरा पाउडर और नमक, हमने सेंधा नमक जो काला नमक होता है वो हमने लिया है, जिसका पाउडर हमने करके लिया है वो हम इसमें डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए केले को हमने मसाला डाल के अच्छे से मैरिनेट कर लिया है, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। गैस ऑन कर लेंगे और फ्राई पैन रख देंगे गैस पर, इसे गर्म होने देंगे। फ्राई पैन गर्म हो चुका है तो हम इसमें डाल देंगे तेल। तेल को इस तरीके से फैला लेंगे। अब इस तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे मैरिनेट किए हुए हमारे केले। एक एक करके हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे पलट देंगे। देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं नीचे से। इस तरीके से हम इसे पलट देते हैं। केले अब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। बचे हुए हमारे केले भी हम अब तल ले फ्राई कर लेते हैं इसमें। देखिए अब हमारे सारे केले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो हम पैन को हटाकर गैस पर कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई अब गर्म हो चुकी है, हम इसमें तेल डालेंगे। तेल थोड़ा ज़्यादा डालना है, हमें कांदे फ्राई करना है इसमें। तेल गर्म होने देंगे। तेल अब गर्म हो चुका है, हम इसमें स्लाइस किया हुआ हमारा कांदा डाल देंगे। इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए कांदे हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और कांदे को तेल से निकाल लेते हैं। ये कांदे हमारे अच्छे से ब्राउन होके बिल्कुल देखिए कितने अच्छे से ये क्रिस्पी जैसे फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इससे मसाला तैयार करते हैं सब्जी का। हमने यहाँ पर अब मिक्सर का जार ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे टमाटर, कांदे जो हमने फ्राई कर लिया है, थोड़े से कांदे को हम गार्निशिंग के लिए बचा कर रख देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और लहसुन। अब हम इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमारा मसाला यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बारीक पीस के रेडी है। तो अब हम सब्जी को बघार लेंगे। अब हम गैस ऑन कर लेंगे और कढ़ाई रख देंगे गैस पर। जिस कढ़ाई में हमने कांदे को फ्राई किया है वही कढ़ाई लेंगे हम, उसी का तेल जो बचा हुआ है उसी को हम यूज़ करेंगे। तो तेल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल अब गर्म हो चुका है तो हम इसमें डाल देंगे मेथी दाना, राई, जीरा, सौंफ, इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे अब तेजपत्ता, लवंग और बड़ी इलायची को हम इस तरीके से बीच से तोड़ के आधी ही डाल देंगे। इसे अच्छे से क्रश करके डाल देंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा पिसा हुआ मसाला, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला अब हमारा अच्छे से भुन चुका है, तेल भी मसाले ने अब छोड़ने लगा है तेल भी, तो
अब हम इसमें सूखे मसाले मिला देंगे। हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, गरम मसाला। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, इसे भी मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। देखिए मसाला फ्राई है, तेल भी मसाला छोड़ने लगा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारे फ्राई किए हुए केले, इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। दो मिनट हम इसे भून लेंगे। दो मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। सरसों के बीज का पाउडर हमने पीस के लिया है, इसे हमें तब डालना है जब हम पानी इसमें डालेंगे। तो हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेंगे। पानी को हम बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे। आप चाहे अगर इसमें पानी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा कलर इसका आया है। अब हम इसे दो मिनट गैस पे रहने देंगे। दो मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे हमारी जो बड़ी इलायची हमने आधी बचा के रखी थी, उसे हम अच्छे से क्रश करके इसमें डाल देते हैं और इसे मिला लेंगे। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इस पर ढक्कन रखकर इसे बंद करके दो मिनट रहने देंगे ताकि इलायची की खुशबू अच्छे से सब्जी में आ जाए। ढक्कन हटा लेते हैं, सब्जी हमारी तैयार है। इसे हम एक कटोरे में निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। तो देखिए हमारे कच्चे केले की सब्जी यहाँ पे तैयार है। अब हम इसे हमारे बचे हुए कांदे जो थे इससे गार्निशिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया भी हम इस पे डाल देंगे। तो देखिए बहुत ही सुंदर कलर इसका आया है, बहुत सुंदर दिख रही है सब्जी। खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। इसकी खुशबू से ही आप चाहेंगे कि इसे खा ले, तो फिर आप इसे ज़रूर बनाइए घर पर और खाइए। पसंद आया तो हमारे फासुमा किचन को जरूर जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू।